चाहे वो उम्मा हो, अरबी मुस्लिम भाइयों का उम्मा, ना तो वो काम आ रहा है अफगानियों के और ना ही इस समय भारत उसकी कोई मदद कर पा रहा है। लेकिन दोस्तों, इतिहास के पन्नों को अगर पलटकर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो महाभारत के काल का गांधार आज तालिबान के चंगुल में फंसा हुआ है। यदि उसको सही मायनों में एनालाइज किया जाए तो वो कोई एक लिखित बंटवारा नहीं, अफगानिस्तान भारत का ही एक हिस्सा टूट कर अलग हुआ 1919 को। कांधार से लेकर फारस राजाओं को मार को झेलते झेलते आज 1919 की आज़ादी को भी विस्तारित करते हुए इस वीडियो में हम पता करेंगे कि भारत और अफगानिस्तान का बंटवारा आखिर किन कंडीशंस में हुआ और कैसे हुआ। आपने पाकिस्तान बंटवारे को बहुत देखा होगा, लेकिन मैं आपका आह्वान करता हूँ इस वीडियो पर रुकिएगा और 100% इस वीडियो को देखिएगा, आपको पता चलेगा कि अफगानिस्तान भारत से अलग किस तरह और किन किन चालों से किया गया, किस तरह हमारे ही भाइयों को जो बौद्ध धर्म अपनाए फिर उसके बाद इस्लाम धर्म की तरफ गए और अब वहाँ पर कट्टरपंथ पूरी तरह से व्याप्त हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स और आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय चैनल अग्निवेश वैदिक संस्कार सेवा समिति। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस चैनल पर आपके पास सिर्फ फैक्ट्स लाते हैं। तो दोस्तों, आज के सिनेरियो में जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि इस समय अफगानिस्तान पर तालिबान की अपनी हुकूमत लगातार जंगल राज की तरफ फैलती जा रही है। ये एक बहुत ही खतरनाक समय है। ऐसे में लगभग जितने भी लोग भारत में रहते होंगे उनको ये जरूर सुनने को मिला होगा कि अफगानिस्तान भारत का ही हिस्सा रहा है, वो भी पहले के टाइम में। तो एक सवाल जो आप सबके मन में आता होगा कि आखिर अफगानिस्तान भारत से अलग कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, ये सवाल आपके मन में आते होंगे। तो दोस्तों, हमारी टीम अग्निवेश ने एक अच्छा काम करके आपके पास ये बताने के लिए हाजिर हुई है कि अफगानिस्तान भारत से अलग कब हुआ। आपको ज़्यादातर वीडियो भारत और पाकिस्तान विभाजन के मिलते होंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि वो कौन सा ऐतिहासिक पल रहा है जब अफगानिस्तान भारत से अलग हुआ और वहाँ का शासन तख्ते अफगान के नाम से स्टार्ट किया गया। तो बिना टाइम वेस्ट किए बने रहिएगा हमारे वीडियो पर। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट आप सबसे करना चाहूँगा, जो मुझे YouTube बार बार एक मेल करता रहता है कि आप लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, उसको बहुत लाइक कर रहे हैं, उसके आपके प्यार के लिए बहुत धन्यवाद, लेकिन आप कोशिश करिए कि मुझे सब्सक्राइब भी करिए। तो प्लीज़, मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि यदि आप मेरे वीडियो से जुड़े रहना चाहते हैं, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हिस्ट्री के अधूरे अनछुए पन्नों में पड़ा हुआ है उसको जानने के लिए आप अग्निवेश वैदिक संस्कार सेवा समिति को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी इतिहास को बताने से पहले मैं कोशिश करता हूं कि आपको उसकी जड़ पर ले चलूं। तो सबसे पहले अगर आप इतिहास की किताबों में अफगानिस्तान ढूंढना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1700 ईस्वी से पहले अफगानिस्तान नाम का कोई शब्द इस डिक्शनरी में इस्तेमाल नहीं होता था। ये अखंड भारत का एक राज्य था जिसको गंधार राज कहा जाता था। गंधार राज से भी पहले इसका नाम हुआ करता था कंधार राज, क्योंकि इस राज्य में सबसे बढ़िया फलों की पैदावार होती थी, इसलिए इसको कंधार राज कहा जाता था। उस जमाने में लोग कंद आदि का प्रयोग अपने भोजन में बहुत अधिक करते थे, इसी वजह से इसका नाम कंधार था। ये महाभारत टाइम की बात कर रहा हूँ, तब अफगानिस्तान का राजा राजा सुबल हुआ करता था जो शकुनी का पिता था, शकुनी के पिता। अब शकुनी कौन थे? महाभारत में आपने अर्जुन के मामा यानी कि दुर्योधन के मामा शकुनी का नाम जरूर सुना होगा। वो शकुनी जिनका जिस राजा के पुत्र थे उनका राज गंधार था। वहाँ वो पौराणिक काल इनकालीन इतिहास से अब थोड़ा आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है, क्योंकि उस इतिहास की विवेचना मैं इस वीडियो में नहीं करना चाहता। तो दोस्तों, उससे आगे बढ़ते हैं। उससे आगे बढ़ने पर सम्राट अशोक का राज्य रहा है अफगानिस्तान। सम्राट अशोक के टाइम पर यहाँ पर जितने भी राजा थे, यहाँ के छोटे छोटे जो रियासत जिनकी थी, जो कबीले थे, वो सब अशोक सम्राट के इन्फ्लुएंस की वजह से धीरे धीरे बौद्ध धर्म को अपनाने लगे और अफगानिस्तान एक बहुत ही बड़ा बौद्ध धर्म का केंद्र बनता चला गया। अगर आपको याद होगा तो पिछले 3-4 साल पहले तालिबानियों ने वहां पर, जब 9/11 का कांड हुआ उससे पहले वहां पर तालिबानियों ने बुद्ध की कुछ प्रतिमाएं तोड़ने की कोशिश की थी। कुछ समय बीतने के बाद उन्होंने उसे बम लगाकर बुद्ध की बहुत सारी प्रतिमाएं वहां पर तोड़ दी गईं। लेकिन यदि आप आज भी कंधार जाएंगे और अफगानिस्तान जाएंगे, हालांकि आज आप जा नहीं सकते, वहां तालिबानी बंदूक लेकर आपके पीछे पड़ा हुआ है, नरसंहार हो रहा है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, तो अगर आज भी आप पता करें तो कंधार में 200 से अधिक
हिंदू व्यापारी हैं जो काफ़ी अमीर व्यापारी हैं वहाँ के, और उनकी गिनती वहाँ के डेलीगेट्स में की जाती है। तो मित्रों इस तरह से वहाँ पे अशोक सम्राट के टाइम पर वो अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था और बौद्ध का। उसके बाद वहाँ पर अशोक सम्राट का जब पतन हुआ, राज्य का पतन हुआ, उसके बाद वहाँ पर जो अधिकार जिन्होंने जमाए वो फारस के कुछ राजा थे, जो फारसी राजा थे और यूनान के कुछ राजा थे। अगर आप इसको कैसे कंपेयर करें ये चीज़ जानना चाहते हैं तो आपको फिर यूनानी और आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना होगा। दोनों कॉन्सेप्ट सिर्फ एक दूसरे के फोटोस्टेट हैं। आयुर्वेद संस्कृत में है और यूनानी की मेडिसिन सिस्टम पूरी तरह से अरबी में है या फिर उर्दू में है या फिर यूनानी में है। तो ये कोई इत्तफाक नहीं है कि यूनानी मेडिसिन सिस्टम और आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम के कॉन्सेप्ट एकदम एक जैसे हों। ये कॉन्सेप्ट नहीं है, विद्यार्थियों के विवेचनाओं के बाद जो उन्होंने स्क्रिप्चर्स लिखे, जो उन्होंने संहिताएं लिखी, वो यूनानी में लिखी और उसी शास्त्र को यूनानी मेडिसिन सिस्टम के रूप में अडॉप्ट कर लिया गया, जो बहुत कुछ भारतीय संस्कृति से इन्फ्लुएंस्ड है। क्योंकि अब यहाँ पर सवाल उठता है कैसे इन्फ्लुएंस्ड है। दोस्तों भारत में जो मसाले पाए जाते हैं जिनको औषधीय उपयोग किया जाता था, यूनानी मेडिसिन सिस्टम में उन्हीं का उपयोग लिखा गया है। जो अधिकतर औषधियां भारत में ही उगती हैं, तो ये एक प्रमाण है जो आपको सिद्ध करता है कि यूनानी मेडिसिन सिस्टम आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम से ही ऑब्टेन की गई है। तो उसके बाद फारस और यूनान का शासन था, तब भी ये अखंड भारत के कंट्रोल में आता रहता था। लेकिन फारस और यूनान के टाइम पर ही सिकंदर द ग्रेट का आगमन हुआ और वहाँ पर सिकंदर से युद्ध लड़ा गया। उसके पश्चात जब सिकंदर के युद्ध के बाद वहाँ के छोटे छोटे स्टेट्स में तोड़फोड़ हुई, लोग आपस में लड़ते रहे, जैसा कि हमारी आदत है कि हम शुरू से ही आपस में लड़ते रहे, बिखरते रहे और हमारे टुकड़े 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 ही होते गए, वो चाहे अफगानिस्तान रहा हो, चाहे पाकिस्तान रहा हो, चाहे बांग्लादेश रहा हो, चाहे बलूचिस्तान रहा हो, आपस में लड़ना इन्होंने बंद नहीं किया, आपस में लड़ते रहे। उसके बाद क्या हुआ, धीरे 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 अरबी राजाओं के आक्रमण होते रहे और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से में अरबी शासकों का भी शासन हो गया। फिर भी अभी तक अफगानिस्तान अखंड भारत का ही हिस्सा था और अब शताब्दी 1700-1800 चलना शुरू हो गई थी। उसी बीच में दो महाशक्तियां इस विश्व पर काबिज होना शुरू हो चुकी थी। पहली थी अमेरिका, जिसको ब्रिटेन, उस ज़माने में ब्रिटेन, क्योंकि महारानी का जो विक्टोरिया का पैलेस वो ब्रिटेन से ड्राइव किया जाता है, तो ब्रिटेन और रूस ये दोनों महाशक्तियाँ अपना अपना दबदबा कायम करने के लिए एशिया के साउथ ईस्ट एशिया में आना प्रारंभ हो चुकी थी। दोस्तों उस समय इन दोनों रूस और अमेरिका ने आपसी झगड़े और बहुत सारे युद्ध, बहुत सारे आक्रमण रूस ने अफगानिस्तान पर किए जो भारत का हिस्सा ही था। तो क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बता दिया कि भारत के हिस्से में लड़ाइयाँ आपस में बहुत होती थी, तो कोई एक दूसरे का मदद करने के लिए नहीं जाता था, सिवाय मराठा जो पानीपत तृतीय का युद्ध लड़े, मराठाओं ने भारत को एकीकृत किया था, भारत को एकजुट किया था। उस युद्ध से पहले वहां पर रूस और अमेरिका अपना अपना दबदबा बनाना शुरू कर चुके थे। एक समय आया सन 1836 में जब इन दोनों महाशक्तियों ने आपसी समझौतों के अंतर्गत बिना भारत के किसी राय से, जबकि तख्ते अफगान और तख्ते हिंदुस्तान ये दो बड़ी सल्तनत हुआ करती थी जो अखंड भारत के सल्तनतों में से एक थी, बिना किसी राय मशविरा के अफगान को बफर जोन में डाल दिया गया और वहाँ से अफगानिस्तान एक शब्द ईजाद हुआ। उससे कुछ पहले जब यूनान और फारस के टाइम पर भी इसको अफगानी लोगों को कहते कहते धीरे धीरे अफगानिस्तान शब्द का उदय हो चुका था। तो जब रूस और अमेरिका आपस में लड़ाई झगड़ा, रूस ब्रिटेन लड़ाई झगड़ा करते रहे, तो उन्होंने आपसे समझौता किया कि अब इस जोन में पावर किसकी चलेगी, जिसको उन्होंने विकास का नाम दिया, भारत में भी उन्होंने गुलाम बनाया। तो आखिरकार 1836 में अफगानिस्तान एक बफर जोन में एक स्टेट बना, जो पहली बार अगर अफगानिस्तान का जो बंटवारा है जो ऑन रिकॉर्ड है वो 1836 में भारत से अलग हुआ, वो भी अलग करने वाले कौन, रूस और अमेरिका। तो दोस्तों 1836 के बाद, क्योंकि पूरे भारत पर अंग्रेजों का कब्जा था, वो चाहे अफगानिस्तान तक से रहा हो चाहे दिल्ली की सल्तनत, अब दोनों लोगों को अपनी गुलामगी की जंजीरें कुछ सख्त लगने लगी। ऐसे समय पर भारतीयों और अफगानियों ने मिलकर ब्रिटिश को यहाँ से उखाड़ने की सौगंध ली। एक साथ दोनों लोगों ने काम किया, जिसमें महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, बहुत सारे अफगानी राजा जिनका नाम मैं अब यहाँ पर गिनाते थक जाऊँगा, बहुत लंबी लिस्ट है दोस्तों, इन लोगों ने, सिंध के राजा दाहिर, इन सब के एकीकृत होने के बाद ब्रिटिश के पांव हिंदुस्तान से उखड़ना शुरू हो चुके थे, जो अखंड भारत था। अब
उन्होंने क्या सोचा कि यदि अफगानिस्तान और भारत की आज़ादी सेम समय पे हमने किया तो हो सकता है कि अफगानिस्तान कोई बफर जोन ना बचे। यहाँ पर फिर फूट डालो राज करो की राजनीति अप्लाई की गई और ऐसा ऐसा इसको ध्यान में रखते हुए क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का पैर भारत से 1900 शताब्दी लगते लगते उखड़ चुका था, ऐसे में उन्होंने निर्णय लिया कि क्यों ना हम अफगानिस्तान को थोड़ा पहले आज़ाद कर दें। इसीलिए 19 जनवरी 1919 को अफगानिस्तान को एक आजाद राज्य घोषित कर दिया। इस तरह से अफगानिस्तान धीरे 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 कर भारत के अखंड भारत से अलग हुआ।